आपको या आपके बच्चों को आंखें मसलने की आदत है? ऐसे अपने पाम से, बहुत जोर से उंगलियों से या नकल से? अगर है तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर वैभवी वर्मा, जेपी हेल्थ पैराडाइज हरिद्वार से। हम आज बात करेंगे कि आंखें जो हम अक्सर मसलते हैं उससे हमारी आंखों पे क्या इफेक्ट पड़ता है। आइए पहले हम एक वीडियो देख लेते हैं। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, दिस इज अ वीडियो ऑफ अ हेल्दी वॉलंटियर ड्यूरिंग ए MRI। आप देख सकते हैं कि आंखें रब करने से उसकी आई बॉल पे और उसके आसपास के टिश्यू पे कितना बुरा असर पड़ रहा है। क्या रबिंग योर आईज इज गुड फॉर योर आई हेल्थ? नो। हम अपने आईज को क्यों रब करते हैं? देयर इज अ बंच ऑफ रीजंस, प्लेंटी ऑफ रीजंस फॉर दैट, लाइक अनट्रीटेड एलर्जीज। आपकी आंखों में पहले कोई एलर्जी हुई हो, पूरी तरीके से आपने उसका ट्रीटमेंट नहीं लिया हो, तो वो कॉन्स्टेंटली आपकी आईज को इरिटेट करती रहती है। या फिर आपको विजुअल डिस्टर्बेंस हो, मीन्स कि आपको दिखाई नहीं दे रहा ठीक से, आपको ब्लर दिखाई दे रहा है, क्लाउडी विजन है, और आप सोचते हैं कि आंखें मसलने से विजन क्लियर हो जाएगा, पर उस टाइम आपको रबिंग की जरूरत नहीं है, स्पेक्टिकल्स की जरूरत है, चश्मे की जरूरत है। तो आईज रब मत कीजिए, डॉक्टर को दिखाइए, नंबर चेक कराइए। कॉन्टेक्ट लेंसेस कई बार एक्सपायर हो जाते हैं या हम बहुत लंबे समय तक उन्हें पहने रखते हैं। जब हम उन्हें रिमूव करते हैं तो अक्सर आंखों को मसलने का मन करता है। और ड्राई आई सिंड्रोम, ब्लेफ्राइटिस, ब्लेफ्राइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ योर आईलिड्स, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, वायरल, कोल्ड, कंजक्टिवाइटिस, इन सब चीजों की वजह से हम अक्सर आई को रब करते हैं, बट इवेंचुअली हमें पता नहीं चलता कि हम इन रीजंस की वजह से आई रबिंग कर रहे हैं। द ओनली थिंग इज, आईज को ऐसे रब करके हमें एक बहुत फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है। फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन क्यों मिलता है? क्योंकि हमारे ये जो आईलिड्स हैं, इनके हर तरफ एक ग्लैंड होते हैं, मीबोमियन ग्लैंड्स। तो ये जो ग्लैंड्स हैं, ये ऑयल सिक्रीट करते हैं। तो इससे क्या होता है, जब इस तरीके से आई रब करते हैं तो आप समझिए कि आप एक तरीके से उसको बहुत एग्रेसिव मसाज दे रहे हैं। तो ग्लैंड्स में से जो ऑयल है वो निकलता है, आईज को ल्यूब्रिकेट करता है और फीलिंग ऑफ सूदिंग देता है। तो इस वजह से हमें वो शॉर्ट पीरियड के लिए अच्छा लगता है, बट शॉर्ट पीरियड ऑफ रबिंग डज नॉट कॉज एनी प्रॉब्लम। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया है कि कोई भी चीज, चाहे वो आपकी बॉडी पे अच्छा इफेक्ट दे रही हो या बुरा इफेक्ट दे रही हो, एक या दो दिन में नहीं होता। इट्स अ प्रैक्टिस। जब किसी भी चीज को लगातार करते जाते हैं तो ही उसका अच्छा इफेक्ट या बुरा इफेक्ट दिखाई देता है। इसी तरीके से आई रबिंग भी एक दिन दो दिन में नहीं दिखाई देगी। आप इसे लगातार करेंगे तब इसकी आंखों पर आपका बुरा असर आएगा। हाँ, अब हमने जान लिया कि हम अक्सर क्यों ये आई रबिंग करते हैं, पर इससे अब होता क्या है? जब हम इस तरीके से आई रबिंग करते हैं, आप ये ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं आई में, इसके ऊपर एक शीट होती है, कॉर्निया कहते हैं उसे। जब हम ऐसे जोर से रबिंग करते हैं तो इससे कॉर्निया की शेप चेंज हो जाती है, वो काइंड ऑफ कोन शेप का हो जाता है, उसमें वीकनिंग ऑफ टिश्यू हो जाती है, इसे हम केराटोकोनस कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो आपका कॉर्निया है ये थिन हो जाता है और ये एक कोन की शेप ले लेता है और डीजनरेशन होने लगता है कॉर्निया का। बहुत बहुत कॉमन नहीं है, बट इट इज वन ऑफ द रीजंस दैट यू शुड नॉट रब योर आईज। ऑल्सो जब कोई फॉरेन बॉडी हमारी आंखों में चल जाती है, जैसे कोई धूल का कण या कोई छोटा सा कीड़ा, मच्छर, कुछ भी आंखों में चला जाता है या कोई चीज हमारी आंखों में गिर जाती है, तो भी हम बहुत परेशान होते हैं और अक्सर हमारी आदत है हम आंखों को मसलते हैं, क्योंकि उससे हमको समझ नहीं आता। बट आपको नहीं मसलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब अगर आपके आंखों में कोई कण गया है और आप उसे मसल रहे हैं, तो वो आपके कॉर्निया पे स्क्रैच कर देता है, जिसे कॉर्नियल एब्रेशन कहते हैं। आप फॉर एग्जाम्पल, जब कोई न्यूली पेंटेड न्यू कार, एकदम नई गाड़ी है ब्लैक कलर की, ठीक है, और उस पर खूब धूल जमी हुई है और आप उस पर सूखा कपड़ा रगड़ दो, बहुत फाइन छोटे छोटे स्क्रैचेस आ जाते हैं, राइट?
कांच पे भी ऐसा होता है। तो इसी तरीके से ये भी एक बहुत फाइन पतली सेंसिटिव लेयर है। अगर इसमें कुछ गिर गया आईज में और आपने उसे ऐसे रगड़ दिया तो वो स्क्रैच आ जाएगा आपके कॉर्निया पे, वो कॉर्नियल एब्रेशन हो जाता है और इससे आगे कॉर्निया की डिजनरेशन हो जाती है, ब्लाइंड भी हो सकते हैं। और अगर आपकी आंखों में कुछ गिरता है तो आप या तो आई कप ले आइए, आई वॉश कर लीजिए, या फिर किसी डॉक्टर को दिखा लीजिए। इफ यू आर डीलिंग विद ग्लोकोमा तो आपको आईज को रब बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा ना कि कभी कभी आप कर सकते हैं, लेकिन ग्लोकोमा में बिल्कुल मत कीजिए, बिकॉज ग्लोकोमा इज अ कंडीशन इन विच इंट्राओक्युलर प्रेशर इंक्रीजेस। दैट मीन्स कि आपके आंखों के अंदर जो प्रेशर बना रहता है, हर चीज का एक प्रेशर होता है, जैसे ब्लड वेसल्स में हमारा ब्लड प्रेशर होता है, ऐसे आंखों के अंदर का जो प्रेशर है उसे इंट्राओक्युलर प्रेशर कहते हैं। तो वो प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए ग्लोकोमा होता है। तो जब आंखों को इस तरीके से रब करते हैं वो प्रेशर और बढ़ जाता है। अब आप ऐसा समझ लीजिए, एक भरा हुआ पानी का गुब्बारा है, अगर आप उसे इस तरीके से रगड़ेंगे तो उसके अंदर जो पानी है उसका प्रेशर बढ़ेगा ना। इसी तरीके से आंखों के अंदर भी लिक्विड भरा हुआ है, तो जब आप उसको ऐसे मसलेंगे तो उसका प्रेशर बढ़ेगा ना, तो वो आपकी जो डिसीज का जो प्रोसेस है ना वो बढ़ जाएगा। अगर आपको या आपके किसी जानने वाले में ग्लोकोमा है तो आप उन्हें बता दीजिए आंखें बिल्कुल रब ना करें। और आपने कई बार महसूस किया होगा कि जब हम आंखें रब करते हैं तो हम और वापस आंखें खोलते हैं, इट्स अ पीरियड ऑफ सेकेंड्स है ना, तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न्स दिखाई देते हैं, कलरफुल लाइट्स दिखाई देती हैं, या लाइंस दिखाई देती हैं, या स्टार्स दिखाई देते हैं, या कलरफुल पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। इन्हें हम फॉस्फीन्स कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो अभी आपने जैसे वीडियो में देखा कि जब हम आईज को रब करते हैं तो पूरी आईबॉल पे प्रेशर आ जाता है, तो ये जो अंदर प्रेशर जनरेट होता है ना, दो आपकी आंखें बंद हैं, आपके आंखों में अंदर लाइट नहीं जा रही है, लेकिन वहां इंटर ऑक्यूलर प्रेशर जनरेट हो गया। अब वहां पे एक लेयर होती है रेटिना, तो रेटिना में गैंग्लियॉन सेल्स होते हैं जो कि लाइट रिसीव करते हैं। जब आईज खुली रहती हैं ये गैंग्लियॉन सेल्स लाइट रिसीव करते हैं और ये ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं, फिर आपका ब्रेन आपको वापस बताता है कि आपने क्या देखा। ठीक है, अब आपकी आंखें बंद हैं, आपने आंखों को रब किया, प्रेशर जनरेट हुआ, उस प्रेशर से गैंग्लियॉन सेल्स एक्टिवेट हो गए। अब गैंग्लियॉन सेल्स एक्टिवेट हो गए बट वहां पे लाइट नहीं है, एक्टिवेट होने की वजह से उन्होंने ब्रेन को सिग्नल भेज दिया। अब ब्रेन को नहीं पता कि आंखें बंद हैं या खुली हैं, तो ब्रेन आपको कुछ इमेजेस दिखा देगा, कलरफुल पैटर्न्स दिखा देगा, तो एक्चुअली इट्स एन इल्यूजन। ठीक है, इट डजेंट एग्जिस्ट बट इट हैपन्स। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन को नहीं पता, इसलिए आपको फॉस्फीन्स दिखाई देते हैं टाइम ऑफ जस्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और आई रबिंग कहाँ तक आप कर सकते हैं? जब हम फेस वॉश करते हैं तो फेस वॉश करते हुए इस तरीके का आई क्लीनिंग होती है, इट इज ओके, उतना आप कर सकते हैं। लेकिन जब कुछ लोग आउट ऑफ हैबिट जो मुंह साफ करते हैं वो ऐसे करते हैं, ये नहीं करना। अगेन, इतनी जोर से आंखें नहीं मसलनी, क्योंकि एक दिन, दो दिन, एक महीना, 4 महीने में आपको कुछ फर्क नहीं मिलेगा, लेकिन इस हैबिट से डेफिनेटली आपकी आंखें खराब हो जाएंगी, आपकी आंखों का नंबर बढ़ सकता है, आपके कॉर्निया को डैमेज हो सकता है। और एक कॉस्मेटिक रीजन भी है, जब इस तरीके से आंखों को मसलते हैं ना तो यहाँ पे बहुत फाइन कैपिलरीज होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, तो वो इतने ज्यादा प्रेशर की वजह से ब्रेक हो जाती हैं, और ब्रेक होने की वजह से डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। तो अगर आपको डार्क सर्कल्स हैं तो क्या करना है, आपको इस हैबिट को क्विट कर देना है, और अगर आपको डार्क सर्कल्स नहीं है तो भी आपको इस हैबिट को क्विट कर देना है। आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो और आपको समझ आया हो कि हमारी एक बहुत ही कॉमन हैबिट है आईज रब करने की, वो क्यों खराब है और हमें इसे क्यों नहीं करना चाहिए। और आप मिलते हैं अगली वीडियो में विद अनदर टॉपिक, अनदर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।